ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर एक अच्छी फिल्म हम सबको देखने मिलेगी, और अभी यहाँ पे ये लोग इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों के ऑडियंस, मतलब यहाँ के लोगों का जानना चाहते हैं रिएक्शन क्या है, कैसी लगी उन्हें। आई एम श्योर पसंद आएगी सबको। आई होप आपने ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा? जी मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सॉलिड है, कुछ तो मतलब अलग लग रहा है। हर बार हम बोलते हैं किसी फिल्म में अलग है, जब तक तो पूरी नहीं देखें तब तक उसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट इट इज़ रियली नाइस। हितेन, इसके अलावा हॉलीवुड का जो मार्केट है यहाँ पे मुंबई में वास्ट हो गया अभी, मतलब लोग देखना चाहते हैं 100%, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ की भी फिल्में जैसे वहाँ देखते हैं, जंगल में 2000 करोड़ का बिजनेस किया था, तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट? तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, यहाँ की फिल्में वहाँ लोग पसंद करते हैं, यहाँ के लोगों को वहाँ जानते हैं लोग, जैसे हम लोग वहाँ के ऑलमोस्ट सारे यू नो हीरोज़ और सब लोग को जानते हैं, सारे एक्टर्स को जानते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ के भी जानने लगे हैं, तो इट्स अ गुड साइन और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। ये हो जाएगा तो आई थिंक एक्टर्स, टेक्नीशियंस और सब लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे चलकर डेफिनेटली एक ही मार्केट हो जाएगा, तो यू नो एवरीबॉडी विल बी वर्किंग एवरीवेयर। सर, अगर आपको काम करने का मौका मिले, किस सेक्टर के साथ में काम करना चाहेंगे? हॉलीवुड के? मैं रॉबर्ट डिनेरो जी के साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि यू नो अभी हाल ही में उन्हें एक अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, और शुरू से ही आई लाइक हिम, अल पचिनो सर, तो अगर ऐसा कुछ मौका मिल जाए तो मतलब मेरी बकेट लिस्ट में से टिक मार्क हो जाएगा। सो एनी प्लान्स टू कोलैबोरेट विद हॉलीवुड? वेल, प्लान्स तो अब वो बनाएंगे, बाकी मैं, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। और वेब सीरीज भी इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या हम लोग आपको उस प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, या फिर जरूर ऐसा कुछ प्लान किया है आपने? क्योंकि जरूर फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। जी ज़रूर, मैं एक वेब सीरीज मेरी अभी कम्प्लीट हो चुकी है, पर उसका अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आएगा, तो लेट देम अनाउंस और फिर हम बात करेंगे। किस तरह की वेब सीरीज है, थोड़ा सा प्रीव्यू दे सकते हैं? किस तरह की वेब सीरीज है? अच्छा भैया, ये चाहता है थ्रिलर है। देखिएगा, एक मेरी ऑलरेडी है एरोस पे, एरोस नाउ पे इन्वेस्टिगेशन, जो आप सबने देखी ही होगी। एक और शूट कर ली है और बाकी की बातें चल रही है, देखते क्या होता है। नितिन, इसके अलावा आपके जो कॉलीग है वो ऑलरेडी बिग बॉस में, जैसे विकास गुप्ता और हिना खान दो बार जाके आई है, तो क्या हम लोग आपको नियर फ्यूचर देख सकते हैं कि आप भी विजिट करें बिग बॉस के घर को? अभी देखिए, बिग बॉस बुलाएंगे तो एक बार तो ज़रूर जाऊंगा, एक बार होके आया हूँ, बहुत ही कम समय के लिए गया था, तो मेरा ख्याल है मेरे फैंस को भी मज़ा नहीं आया और मुझे भी मज़ा नहीं आया, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जाना चाहिए, देखते हैं यार। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे जैसे सीधे सादे आदमी का थोड़ा उधर टाइम यू नो पहले भी कहा है, तो अब फिर से बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगा। लेकिन इस बार का जो बिग बॉस सीजन है वो सब काफ़ी लंबा चला हुआ है। जी 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 जी, क्या कहना है आपका कि? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है बिकॉज ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है, ऑडियंस नहीं बोले या हाँ बोले, हर जगह में उनके बारे में या बिग बॉस के बारे में बात करती है, कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करती है, तो डेफिनेटली मेकर्स भी यही चाहेंगे कि जितना हम ज़्यादा चला सकें उतना अच्छा है। अगर उनको अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि सिद्धार्थ आपके फेवरेट है, वो जीतने के काफी करीब है। जी जी जी, असीम रियाज 100%, ये दोनों दोस्त थे, तब तक बहुत स्ट्रांग चल रहे थे दोनों, जब से अलग हुए तब से दोनों की अलग गेम हो गई, तो दोनों एकदम बराबरी के चल रहे हैं मेरे हिसाब से। ये गेम का सबसे अच्छा ये होता है कि एंड मोमेंट तक सबको लगता है कि ये जीतेगा, सबको ऐसा श्योर होता है शायद ये जीतेगा, ये जीतेगी, लेकिन लास्ट दिन पे वोट्स पे क्या होता है वो तो कोई नहीं बता सकता, वो ही तो ट्विस्ट है। राइट, ऑल्सो लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, अब तक जो है बिग बॉस 11 टीआरपी में सबसे हाई था, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है बिग बॉस 13 ने तोड़ा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब बिग बॉस 13 ने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया था, हम लोग मतलब बिग बॉस 11 वालों ने, मैं सारे लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं था उसमें, हम जितने भी थे सारे अंदर, और प्लस बिग बॉस है ही ऐसा, तो अब वो लोग ने बेंचमार्क, वो लोग ने थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हाई कर दिया, उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा, तो डेफिनेटली आने वाले सीजन में जो आने वाले कंटेस्टेंट्स होंगे उन लोगों के लिए एक चैलेंज होगा कि अब इससे भी अच्छा करना है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन आप अंदर गए हो तो आप ज़रूर खेलने गए हो, और खेलने गए हो तो यार खेलो और जीत के आओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Raju bhai, thank you. And all the best for your movie. I think the name is fantastic. Every night and all the faculties with my students. Very busy. And I tell teachers to Hollywood and Bollywood films. That's the film that we are also going to Hollywood, coming to Bollywood, Bollywood to going to Hollywood. He's a music icon, yeah. And for him to grace the occasion is, I cannot ask for anything more than this. So I'm extremely thankful and grateful for his presence. So the film is a time thriller. It's a female-centric movie. It has mythology, it has supernatural elements. Start in Detroit, Michigan. Also welcome us to your absolutely. That's why I'm here. So it's as Bapita said, you know, the bridge is there, and now you know Hollywood, Bollywood is like it's gonna become one, yeah. Very soon. Yeah. Very soon. Yeah. So you know, likewise, like we know all the actors from West and from there. People from there, people know us also there now. So it is a good thing, good sign. So it will be easier for them to, you know, do films with us also, and a mixture of both, you know, best. Like my own song, Gimme Gimme, I've yeah. It becomes student, and I'm the number one now. Now, yeah. That's done them, the remix, Bapu remix. Like, all the songs are different here and there. Yes. I just would like to say thanks to my dad.
he's an amazing person. He's a music icon. His song has been watched many times, you know, yes, at Guinness Record. Shahrukh associated with him, and he's working, part of the working with the top talent in Hollywood, such as Lady Gaga, Snoop Dogg, Akon, and so on and so forth. Samantha Fox, yeah, Madonna, you name it, he's already Hollywood. He's an international icon. He's not just a Bollywood icon, he's international. It's really an honor, and we're going to work with him and upcoming movie Capture. We're already planning the music movie, of course. So it would be an honor to have Buffy Dye in our movie. Again, we need to come to the time.